हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना रैनबो का क्लास 12 का इंग्लिश पोएम का सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम स्नैक। ये बहुत ही मज़ेदार पोएम है दोस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत सेंसिटिव, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ के। जैसे हम लोग अपना बनाने का जो हम लोग का तरीका है बिल्कुल उसी को फॉलो करेंगे दोस्त। पहले हम लोग पोएट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पोएम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर को करेंगे और लास्ट में हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डालेंगे दोस्त। ठीक है, हम इसी फॉर्मेट में ये वीडियो भी आपका बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्नैक के बारे में। पहले उनके पोएट डीएच लॉरेंस, ये डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इनका जन्म 1885 में और इनका जो देहांत हुआ 1930 में हुआ। ये बहुत ही बेहतरीन कवि, एक आम लोगों से जुड़े हुए, बातें इनकी बहुत नॉर्मल और जो आपके हृदय को छूने वाली, ऐसे ये कवि थे। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस वॉज अ पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट राइटर, स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट। ये क्या थे, एक कवि थे, एक साहित्यकार थे, छोटे छोटे कहानियों को लिखने वाले थे और अनुच्छेद, पैसेज, ऐसे को लिखने वाले थे। ही ग्रीव अप आई मीट द स्ट्रेफ बिटवीन हिज जेंटल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स माइनर फादर। अब देखिए इनका बचपन कैसे बीता, ये बढ़े किस माहौल में, ये एक ऐसे माहौल में बढ़े, पले बढ़े जिसमें इनके माता जी बहुत ही शिक्षित और बहुत ही विनम्र स्वभाव की महिला, बहुत ही अच्छी शिष्ट कुलीन परिवार में जन्म ली हुई महिला वैसा, और दूसरी तरफ उनके पिताजी बहुत ही अशिष्ट, बहुत ही अशिष्ट, एकदम क्या बोले उनको, मतलब घटिया टाइप का, निम्न स्तर का, ऐसा आप बोल सकते हैं, उस तरह के खनिक जो सुरंग उरंग नहीं बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, जमीन की जगह गड्ढा खोदते हैं, बारूद लगाते हैं, बम उड़ाते हैं ताकि वहां पर माइनिंग की जा सके, खनिज को निकाला जा सके, उस तरह के, मतलब दोनों पूरब पश्चिम की जोड़ी थी, माताजी पूरब थी तो पिताजी पश्चिम थे, ऐसे जोड़ी के बीच में इनका परवरिश हुआ, इस कलहपूर्ण जीवन में इनका ग्रोथ हुआ दोस्त। व्हेन ही ग्रीव इन मैच्योरिटी, जब वो थोड़े बड़े हुए, एज अ राइटर, मैंने लेखक के रूप में जब वो बड़े हुए, ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड। जैसे इनकी माँ जो इतना विनम्र स्वभाव की, शिष्ट टाइप की थी, ये बिल्कुल अपने माँ जैसे होना चाहते थे, लेकिन जैसे बड़े हुए ना, ये अपनी माँ की जेंटिलिटी को छोड़ दी, बोले ना ऐसा नहीं करेंगे, बट तो कैसे करेंगे भाई, एंड बिगेन टू सी हिज फादर अदिनेस एज अ वर्चू, और फिर अपने पिताजी वाला गुण को ये एक्सेप्ट करने लगे। इनके पिताजी बहुत डाउन टू अर्थ थे, जमीनी स्तर पर इनके पिताजी होते थे, तो बिल्कुल ये सोचने लगे अपने पिताजी जैसा, एकदम जमीनी स्तर पे, एकदम नेचुरल। फिर उसके बाद क्या बोलता है, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, जो ये बहुत अच्छा अच्छा जो इनका संग्रह था कविताओं का, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, द व्हाइट पीकॉक्स 1911 में, द ट्रेस पासर 1912 में, सन्स एंड लवर्स 1913 में, द रैनबो 1915 में, प्लम्ब्ड सॉपेंट 1916 में, लेडी चार्टर की लवर्स 1926 में पब्लिश हुआ। ये जो कविता है स्नैक जो है, शायद इनके एक प्लम्प्ड सर्पेंट है, उसी के अंश से ये लिया गया है। ठीक है, इन द प्रेजेंट पोएम स्नैक, ये जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, जो स्नैक कविता है, लॉरेंस एग्जॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड डिनाउंस द शैम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज लाइफ। इस कविता में स्नैक जो कविता है, इसमें कवि क्या बताना चाहता है, कवि ये बोलना चाहता है, इस बात को बताना चाहता है, जो हमारा प्रिमिटिव लाइफ है, प्रिमिटिव मतलब पुराना जमाने वाला, आदिकाल का, बहुत पुराना, जैसे पहले आदि मानव कैसे रहते थे, तो उस तरह का जो अर्धी सोच है वो जो होता था दोस्त, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव लाइफ। एंड डिनाउंस मतलब कम करना, उसका आलोचना करना, खुलेआम आलोचना करना, इसको डिनाउंस बोलते हैं। द शैम्स
एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, जो आधुनिक जिसको हम लोग मॉडर्न लाइफ बोलते हैं ना, इसको एक खुले तौर पे चैलेंज करते थे, उसकी बुराई करते थे, बोलते थे नहीं भाई ये ठीक नहीं है आपका, दिस इज नॉट गुड, इस टाइप से। कविता पढ़ के देखते हैं दोस्त कितना मजा आने वाला है। अ स्नेक केम टू माय वाटर टो ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामास फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। कवि बोलते हैं कि एक सांप केम टू माय वाटर टू, वहां पर जैसे जानवरों को खिलाने के लिए हम लोग यहाँ नाद होता है ना, नाद रखे बड़का बड़का लोग गैलन टाइप का रख देता है, ड्राम टाइप का रख देता है काट के, ताकि वो में अनाज को भूसा चारा खिलाया जा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ट्रफ। वहाँ पर क्या होता है कि नाद में पानी रख दिए जानवरों को पिलाने के लिए, वैसा जगह पर ये कवि बोलना चाहते हैं। कभी भी तो वैसे ही है, ये अपने यहाँ जानवरों को जहाँ खिलाते हैं वहीं पर नल होगा, ठीक है वहीं की बात कर रहे हैं। अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ ऑन अ हॉट हॉट डे, एक बहुत बहुत गर्म दिन में, आई इन पैजामा फॉर द हीट, इनको भी गर्मी लग रही होगी और अपने पैजामा में निकले होंगे टू ड्रिंक देयर, वहां पर पानी पीने के लिए। तो कवि अपने दृश्य को देखिए कैसे बोलते हैं, कितना रिलेटिव बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर बात कर रहे हैं दोस्त। उसके बाद क्या बोलते हैं कि इन द डीप स्ट्रैंड सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कार्ब ट्री आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द चर्फ बिफोर मी। अब कई बोलते हैं क्या, जब वहां पहुंचे सामने देखकर बाप रे बाप, ई का सांप है, एकदम विचित्र टाइप का, अलग टाइप का। जो अब आप वहां पर हैं, गए हैं पानी पीने के लिए, और सांप कहां से आया है, तो सांप वहां पर आया है, एक कार्ब ट्री है, यूरोप में इस तरह का होता है कि जो बहुत बड़ा सा विशाल पेड़, जहां पर बहुत विशाल पेड़ जिसमें एक अलग टाइप का फल, भूरा भूरा टाइप का फल लगता है, उसको बोलते हैं कार्ब ट्री, जो कि लेखक माने कवि के पीछे लॉन में रहा होगा, वहां से वो सांप निकलकर सामने आता है। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर, इनके हाथ में एक बर्तन रहा होगा जिसे सोचे होंगे कि हम भी उस वहां पर पानी लेके पी लें, तो अपना बर्तन लेके गए, लेकिन सामने में जैसे ही देखे रे बाप रे बाप ई का, वहां पर ये सोचे क्या हमको इंतजार करना चाहिए, रुकना चाहिए। वो सामने से सांप जो है उस नाद वाले बर्तन के पास पानी पीने के लिए पहुंचा हुआ है। ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम and trail his yellow brown slackness soft belly down over the edge of the stone turf. अब देखिए कितना मस्त बात बोल रहा है। He reaches down from a fish. वो कैसे पहुंचा है वहां पर जमीन, देखिए अब सांप के लिए तो कोई फिक्स जगह नहीं होता है, जहां पर भी तनी दरार होगा, तनी छेद होगा, बिल होगा, वहां से पुट से पहुंच जाएगा, घुसने के लिए भी होगा, छिपने के लिए, वो तो बिल में घुस के सूझ जाएगा, छिप जाएगा, जहां भी उसको फाफर मिलेगा वो जाकर घुस जाएगा, उसको फाफर मिलना चाहिए भाई, ठीक है। तो क्या बोलता है, ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिश, कैसे आया, तो जमीन के पास छोटा सा खाली जगह होगा, छेद जैसा होगा, इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, और क्या बोलता है वहां पर जमीन में कैसा रहेगा, एकदम ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है एकदम बेढंगा, जहां पर आप उम्मीद नहीं कीजिएगा, बोलेगा ऐसा जगह पे क्या जाएगा हो, छोड़ दो उसको, जब मजा आ जाएगा, तो ओइसन जगह जहां छेद उद रहा, खाली जगह रहा, वहां से निकल के सामने आया। एंड ट्रेल हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस, और क्या हुआ वहां पर धीरे धीरे सरक सरक के, कैसे आया सरक सरक के, येलो ब्राउन स्लैकनेस धीरे धीरे वहां पर पहुंचा, सॉफ्ट बेली डाउन, उसका जो बेली माने पेट, जमीन, अरे पेट कहां रहेगा भाई, जमीन में सटल रहेगा, तो जमीन में से धीरे धीरे सरक सरक के सामने आया, ओवर द एज ऑफ द स्टोन टर्फ, मतलब जहां पर पानी रखल होगा, तो पानी रखल होगा तो वहां पर पत्थर जैसा होगा ना जी, सब कोई चबूतरा उबूतरा बना के नहीं रखता है, जहां पर चापाकल लगाते हैं, नल लगाते हैं, तो वहां पर तनी रहता है ना पत्थर थोड़ा टाइप का, वैसने जगह पर, उसमें से देखिए सामने से दिख रहा है पानी पीने, एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और अपना गला को आराम से बेचारा ऊपर रख दिया है, राहत मिल रहा है उसको, इतना गर्मी है उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जैसे आपको गर्मी लगता है तो आप क्या करते हैं,
अरे भैया जल्दी पंखा चलाओ, अरे जल्दी कर, काहेला भाई गर्मी लगता, अरे हवा लगे दे भाई काहेला, जैसे आपको गर्मी लगता है तो सपो को तो लग रहा होगा ना, तो सपो का करा भाई, तनी आराम कर ले भाई, गला पत्थर तो जनरली ठंडा रहता है तनी मनी बाकी टेम्परेचर से, जहां पानी उनी रखा रहेगा तो उसको रख के तनी उसको आराम मिल रहा है। कहा बोलता है एंड वेयर द वॉटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, टैप माने नल, वहां ड्रिप माने बूंद बूंद करके चूना, जब वहां से नल से पानी बूंद बूंद करके चू रहा होता है, इन ए स्मॉल क्लीननेस, वहां पर छोटे जगह पर ही सीप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अब वहां पर मुंह ऐसे खोल के आह करके बैठा ले भाई, कहा है बूंद बूंद पानी चू रहा है, ठंडा ठंडा पानी और वो बूंद बूंद ओकर मुंह में जा रहा है, समझ में आ रहा बाबू। अब क्या बोलता है, सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, गम माने का मसूड़ा, अब सांप का मुंह में दांत दुए ना चार गो रहता है ना, हो बाकी तो क्या रहेगा, मसूड़े रहेगा, तू क्या पता है ऐसा करके टप टप चू रहा मुंह में, गुट गुटू पिए जा रहा है। अब क्या बोलता है, इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, आराम आराम से उतना लंबा शरीर में बूंद बूंद करके ठोप ठोप पानी चू रहा है और क्या कर रहा है, गुट गुट पी रहा है। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वॉटर टफ, अब लेखक कभी का बोलता है कि सामने मेरे सामने कोई, अरे का है, समवन वॉज बिफोर मी एट माई वॉटर टफ, वाटर टफ मतलब जो नाद है, नाद के सामने मेरे सामने कोई प्रतीत हो गया है, अरे कौन है भैया, सांप है ना है। एंड आई लाइक अ सेकेंड कॉर्नर वेडिंग, अब ले कभी का बोलता है, अरे भैया ऊ कोना पर था ई कोना पर, भाई दूर रहो कहीं काट ले तो, अरे भैया कितनों कोई बहादुर हो, बाघ बहादुर सांप को देखते ही सबका हालत खराब हो जाता है, तो कभी कभी हालत कुछ ऐसने रहता है, उनको रो हालत कुछ मजेदार नहीं है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, मतलब वो क्या करता है, ही लिफ्टेड हिज हेड, उसके बाद अपना मुंडी को उठाता है, लिफ्ट माने उठाता है, मुंडी को उठाता है, हाँ अरे देखते हैं गाय भैंस को, वो अपना मुड़ी खाद रहता है, गवत में कोई पहुंचा तो एक बार मुड़ी उठा के देखता है, फिर मुड़ी घुसेड़ के मत ले सपट्टा मारते रहता है, लपालप सपासप। तो अभी क्या करता है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटलू, जैसे जानवर लोग करते हैं जब पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, नाद में से भूसा खाते रहते हैं, चारा खाते हैं, तो एक बार सर उठा के देखते हैं, वैसे ही इस सांपो जब ठुप ठुप पानी पी रहा था तो एक बार उठा के मुड़ी देखता है। एंड लुक्ड एट मी वैगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और मेरी तरफ कैसे देखता है, ऐसे ही बिना केयरलेस ने कहा, हाँ मुड़ी ना, हाँ कोई है, चल चल चला पहले पानी पिए दे, चल फुट, ऐसा टाइप का। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क टर्न फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, फ्लिक माने जीभ निकालना, फॉर्क मतलब सांप को देखे हैं उसका जीभ जो होता है ना ऐसे ऐसे फटल रहता है बीच से, ऐसे 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 लप 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 लपाते रहता है सपवा उसका, तो क्या करता है अपना फ्लिक, उसको फॉक टंग बोलते हैं, जब दूध फाक में फटल रहेगा उसको क्या बोलते हैं, फॉक, फॉक मतलब आप देखे होंगे हम लोग चम्मच खाते नहीं कांटा वाला चम्मच, कांटा वाला चम्मचों को हम लोग फॉक ही बोलते हैं, तो कहे उसमें आगे से नोखी नोखी निकला रहता है यही से, तो क्या बोलते हैं फ्लिकर्ड मतलब बार बार निकालना लपलपाना, फ्रॉम हिज लिप्स अपने होठों से वो दुमुहा जीव को बार बार अंदर बाहर करता है। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और थोड़ा देर के लिए सोचता है ठहरता है। एंड देन व्हाट, एंड स्टूड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर से वो ठहर के देखता है, अच्छा ठीक है रुक भाई छोड़ पहले पानी पिए दे भाई, तू अले ना आओ पहले हमारा पानी पिए दे, बाद में तोरा देखवाऊ। बींग अर्थ ब्राउन एंड अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद इतना स्मोकिंग, अब क्या बोलता है, बींग अर्थ ब्राउन, अर्थ ब्राउन कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देखते होंगे हम लोग घर में चूल्हा पर बर्तन चढ़ा देते हैं, अब बर्तन जब चढ़ा रहता है चाहे मट्टी का बर्तन हो चाहे कोई और बर्तन हो, जब घर में माँ चाहे दीदी कोई भी खाना बनाते रहता है, बर्तन ज़्यादा गर्म हो जाता है कैसे, लाल लाल हो जाता है एकदम ब्राउन, एकदम लाल रेडिश ब्राउन दिखने लगता है, काहे भाई एकदम तपिश के कारण, वैसे ही इतना गर्मी था वहां का जमीन, कुछ ऐसा ही लेखक बताना चाह रहा है। अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स, जैसे जब कोई बर्तन को जलाया जाता है या गर्म किया जाता है मिट्टी का बर्तन, कैसा एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाता है, एकदम देखते नहीं है दिया हुआ कैसन कलर का हो जाता है, वैसे ऑन अ डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी,
विथ एटना स्मोकिंग. एटना एक तरह की ज्वालामुखी है, जब वो फटेगी, इरप्ट होगी, तो ज्वालामुखी जब निकलेगा तो चारों तरफ कितना धुआं धुआं हो जाएगा. वैसे ही गर्मी इतना था कि चारों तरफ उसको लग रहा था कि एकदम उससे भाफ निकल रहा है. अरे भैया गर्मी होता है तो जहां होता है उसको ना बुझाएगा. चलिए अगला का है पोयम, तो तनी छोटा है बाबू. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड. जैसे किसी को भी कोई क्या सीखता है, हम लोग भी क्या सीखे. अरे भाई सांप देखो तो उसको मार दो, छड़ी उठाओ, डंटा उठाओ, चार डंटा मारो उसको, मुंहा दो उसको मार के. चाहे कोई होता है तो यही ना लोग घर में सिखाता है. वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, चाहे किसी के मन में कुछ होता होगा जादू टोना टाइप का तो वो कर सकता है. माने आपका शिक्षक क्या कहता है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया कोई आए तो पहले बचो, सबसे पहले तो भागो, भागो नहीं भाग पाए तो मारो, ओकर बाद जे होगा देखल जाएगा. सबसे पहले तो भागो, नहीं भाग पाए तो लड़ो, ओकर बाद जे होगा से जय सियाराम. तो कहने का मतलब है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड. जो उसके दिमाग में जो शिक्षा पहले से प्राप्त की हुई है, जो ज्ञान है, जैसे हम आपको भी बताए, इसका मतलब क्या हो गया कि सांप को मर जाना चाहिए, मार दीजिए उसको. फॉर इनसेसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट एंड द गोल्ड आर विमनस. अब बोलता है क्या इनके पास ऐसा, जैसे हम लोग को भी तो कोई सिखाता है तब ना हम आपको सिखा रहे हैं, और आप सीख लीजिएगा फिर आप किसी को सिखाइएगा. ऐसे ही इनमें क्या बोलता है कि जो सांप, जो काला सांप होता है ना, वो इनोसेंट होता है, बहुत निर्दोष होता है, बहुत मासूम होता है. इनोसेंट का बहुत सारा अर्थ निकलता है, ऐसा है. और जो गोल्ड कलर का सांप जो होता है ना, वो जहरीला होता है. विमन मतलब क्या होता है, विनम मतलब जहर, जहरीला होता है. एंड वॉइस इन मी सेड, अब उनके अंदर की आवाज आ रही है. अब होता है ना सांप को देखा, मने मने अपने में बतियान लगता है, अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे करें, क्या करें, मार दें, छोड़ दें, भाग जाए, कैसे करें, क्या करें, मन में बात चल रहा है. तो क्या बोलता है, इफ यू वर अ मैन, अगर आप एक आदमी हैं, मर्द हैं, तो क्या कीजिए, यू वुड टेक अ स्टिक, आप एक छड़ी उठाइए, डंडा उठाइए, ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, और उसको मारिए, उसका देह तोड़ दीजिए और उसको मुआ दीजिए. अगर आप आदमी हैं तो, मर्द है तो मार के मुआइएगा ना जी, नहीं तो कहीं आपको टुई किया तो बस आप फुई हो जाइएगा, बुनिया पुड़ी चल जाएगा तुरंत. तो क्या बोलता है, बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वॉटर टब एंड डिपार्ट पीसफुल पेसिफाइज्ड एंड थैंकलेस इन टू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ. अब देखिए कितना मस्त बात बोल रहा है बाबू. बोलता है क्या, क्या हमको इस बात को अवश्य ही कन्फेस करना चाहिए, मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि मैं उसको कितना पसंद करता था, मैं कितना खुश था कि जैसे मेरे घर में कोई एक अतिथि आया है, एकदम शांति से पानी पी रहा है, मेरे पानी स्टोर किया हुआ जगह पे नाद से, एंड और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिना कोई बात बोले हुए वहां से आराम से जा रहा है. का इंटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ दिस अर्थ, इतना गर्मी वाला जगह में, इतना गर्मी है, इस गर्मी में कोई हमारे दरवाजे पे आया, हमारे यहां पानी पिया और बिना कुछ बोले सुने वहां से आराम से जा रहा है, तो क्या करना चाहिए, हमको उसको मारना चाहिए कि उसको जाने देना चाहिए. कवि के दिमाग में ऐसा बात चल रहा है. वॉज इट कावर्डिस दैट आई डेयर नॉट किल हिम, वॉज इट प्रिवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, आई फील्ट सो ऑनर्ड. अब यहां पर क्या बोलता है, क्या ये कायरपन है जैसा कि हम नहीं मारे उसको, मेरे में इतनी क्षमता नहीं हुई कि हम उसको मार दें, मेरे में क्षमता नहीं हुई कि हम उसको मार दें, क्या मैं डरपोक हूं, क्या मेरे मन में इस तरह का गलत, जो मैं चाहता था उससे बात करना, क्या ये गलत था मेरे लिए, ये सोचना. जैसे आप चाहते हैं आपके घर में कोई आया, आप सोचे उससे बात करें कि नहीं करें, तो क्या ये गलत है सोचना कि हम उससे बात करना चाहे, उस सांप से चाहे कि वो रुके बात करे और हम उसको नहीं मारे, क्या ये गलत विचार था. वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, क्या आप उसके प्रति इतना विनम्र सोचे, इतना आदर वाला भाव से सोचे, क्या
ये एक तरह का ऑनर्ड फील नहीं करने जैसा हुआ. ऑनर्ड मतलब अपने आप को सम्मानित महसूस नहीं किया आप, कि ऐसा आप सोचे. आई फील्ड सो ऑनर्ड. अब उसको लगा कि मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, सम्मानित महसूस किया. कौन? कवि. एंड येट दोज वॉयसेस, उनके दिमाग में फिर भी ये बात आई, इफ यू वर नॉट अफ्रेड, अगर आप नहीं डरे हुए हैं तो क्या कीजिए, यूड किल हिम. अगर आप नहीं डरे हैं तो उठाइए डंटा, हम मार के उसको मुआ दीजिए. एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, लेकिन वास्तव में क्या था, कभी डरे हुए थे. आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था. बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट ऑफ द डार्क डो ऑफ द सेक्रेट अर्थ. और वास्तव में क्या था कि ये तो डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे. बट इवन सो ऑनर्ड, फिर भी उनको बहुत अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे थे, ऑनर्ड फील कर रहे थे कि आपकी हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है. जैसे आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं अरे भैया चौकी है, हड़ा हड़ा इसके ऊपर एक सफेदी बिछा दो, चादर बिछा दो, अरे कुर्सी झाड़ दो, बैठाओ, पानी दो, नाश्ता दो, चाय दो, पंखा हाँको अगर लाइन नहीं है तो पंखा चला दो, ताकि उनको किसी भी तरह से आपके यहाँ आए तो उनको ऐसा लगे कि हमारा मैंने मेरा सत्कार बहुत अच्छा हुआ, मेरा सेवा भाव बहुत अच्छा हुआ. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी. तो यहां पर क्या बोलते हैं, ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, मतलब उस सांप को क्या था, वो मेरी हॉस्पिटैलिटी को चाह रहा था. मतलब मेरे यहां आए, अगर कवि के यहां आए तो कभी उसको मारे नहीं, आराम से पानी पीने दे, सब आराम करने दे और उसके बाद हमको जाने दे, ई टाइप का. फ्रॉम आउट ऑफ द डार्क डोर्स टू द सेक्रेट अर्थ, मतलब वहां सब निकल के सामने आया था. और फिर सेक्रेट अर्थ, सेक्रेट मतलब रहस्यमय धरती, रहस्यमय धरती मैंने कहा फिर कोई बिल में घुस जाए, यही होगा ना, आए और अपने बिल में घुस जाए. इस टाइप से वो ऐसा महसूस कर रहा था. कौन? लेखक, कवि, कि सांप आए तो ऐसा ही हो. बोलता है ही ड्रैंक इनफ, मतलब कौन, सांप खूब मन भर पानी पी लिया. एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली As one who has drunken. और फिर उसके बाद क्या करता है, अपना मुड़ी उठाता है. अच्छा ठीक है भाई, और उसको लगता है कि ना बहुत पानी हो गया, आराम हो गया भैया, अब कोई टेंशन नहीं है. जैसे लगा था पी के मदमस्त हो गया. अब गर्मी में किसी को आप कोल्ड ड्रिंक्स पिलाइएगा, बोलिएगा लो भैया पियो, दिए कोल्ड ड्रिंक्स, एकदम गट गट मारा, ठंडा लस्सी दिए, एकदम गट गट एक गिलास, एकदम एक सांस में घींच दिए, आत्मा लग एकदम तृप्त हो गया. वो इसी तो संपों को लग रहा होगा, अरे भैया हम पानी पी ली, हमारा आत्मा तृप्त हो गया. पानी का जो प्यास बुझाना जो पानी से होता है, दुनिया का कोई चीज खाइए पीजिए, चाहे आइसक्रीम हो चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, पानी का टक्कर किसी का नहीं है बाबू. तो उसको क्या लगा कि एकदम जैसे लगा एकदम प्याक है, जैसे दारू पीने वाला कहता पीने के बाद मस्त हो जाता है, पानी पीने के बाद मस्त हो गया. And flickered his tongue like a forked knife on the air so black. अब क्या होता है, उस रात के समय में, ये जो सब कहानी रात की हो रही है ठीक है, उस रात के समय में ये अपना टंग को क्या करता है, फ्लिक करता है, फिर से बाहर निकालता है, लप लपाता है, बोलता है सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, जैसे लग रहा है कि अपने ओठों को चाट रहा है. जैसे आप खाते हैं आइसक्रीम उस्क्रीम खाते हैं, ओठ में लग जाता है, क्या करता है, चट चट चाटने लगते हैं. मिठाई खाते हैं, रस लग जाता, चट चट चाट लेते हैं. तो वैसे ही उहो कर रहा था. एंड लुक अराउंड लाइक अ गॉड, जैसे लेखक कवि, सॉरी बार बार हम लेखक बोल देते हैं, कवि बोल रहा है कि जैसे आया, जैसे कोई भगवान का दूत है हमारे यहाँ, भगवान है, इन टू द एयर, हवा में. एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और धीरे धीरे क्या करता है, अपना सर मुड़ता है. अभी आप पी लिए पानी तब क्या करें, आप क्या बैठ के आपका मुंह देखें, टाटा बाय बाय करते हुए अबू अपना रास्ता नापता है. रास्ता कैसे नापता है भैया, स्लोली टर्न हिज हेड एंड स्लोली वेरी स्लोली एज इफ थ्राइस अ ड्रीम प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माय वॉल फेस. अब क्या बोलता है, मुंडी घुमाया धीरे, बहुत धीरे धीरे, जिसे लगा खूब सपना में गहरी नींद में है, धीरे 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 टुकदुम टुकदुम टम टम वाला चाल में क्या करता है, धीरे धीरे अपना सांप को वाला कर्विंग
शेप में चलना शुरू करता है और क्या करता है भैया, उसका जो दीवार है कवि का, अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, दीवार उनका जो सही तरीके से नहीं था, टूटा फूटा टाइप का था, वैसे किनारे 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 किनारे। अब सांप कहाँ चलता है, जनरली देखिएगा किनारे ही किनारे बेसी चलता है, काहे उसको जहां पर भी बिल मिले पट में घुस जाएगा। एज ही पुट हिज हेड इन टू दैट ड्रेडफुल होल, वहीं पर एक बहुत ही भयानक टाइप का, ड्रेडफुल मने बहुत भयानक टाइप का बिल था, उसमें छेद था, अपना मुड़ी उसमें घुसेड़ दिया। अब देखिए आप कहीं पर भी ऐसे हाथ नहीं लगा सकते हैं, आपको डर लगा सांप हुआ तो, बिच्छू हुआ तो, काट लेगा तो, लेकिन सांप को तनिको डर लेता है, जहां बिल देखे कुछ हो साल में घुस जाएगा। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप स्नैक ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड एंटर्ड फर्दर, और धीरे धीरे में घुसता गया, मुड़ी घुसा, देह घुसा, और धीरे 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 वो बिल में घुसता चला गया। अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इन टू दैट हॉरिड ब्लैक होल, बोलता है आप देख के नहीं हॉरीफाइड हो जाएगा, डर नहीं जाएगा, हॉरर माने का हॉरर सिनेमा देखा ना जी, कैसा होता है एकदम डरावना टाइप का, वो जो बिल में घुसेगा तो कैसे ना आपको बाप रे बाप कैसे घुस रहा है, हो कहीं काट लिया तो कुछ हो गया तो, उसके बड़का सांप हुआ तो कुछ, अरे भैया छोड़िए ना सांप में घुसते जा रहा है, एकदम काला जो बिल है उसमें छेद है उसमें घुसते जा रहा है, अंधेरा है हो जा रात है, अंधेरा में भी अंधेरे में घुसते जा रहा है, बाप रे बाप, डिलिबरेटली गोइंग इन टू द ब्लैकनेस, और वो अंधेरे में घुसता जा रहा है, एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे अपने आप को अंदर खींचते जा रहा है। ओवरकेम मी नाउ हिज ब्लैक वॉज टर्न, अब इसको देखता है कि भैया वो अब अंदर पूरा घुसते जा रहा है। आई लुक डाउन, आई पुट डाउन माई पिक्चर, अब कवि क्या करता है इधर उधर देखता है, अपना बर जो पानी पीने के लिए बर्तन लाया था नल से पीने के लिए उसको नीचे रखता है। आई पिक द क्लम्सी लॉग, एक ऐसी ही बेढांगा सा, क्लम्सी मैंने कहा था बेढांगा टेढ़ांगुड़, वैसे ही कुछ एक डंडा उठाया और का किया, एंड थ्रू इट एट द वॉटर टर्फ विथ अ क्लैश, चिल्लाते हुए डंडा को फेंक के चलाया जहां बिल में सांप घुस रहा था वहां पर। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, अब कभी सोचता है कि हमको ऐसा लगता है कि उसको नहीं लगा, डंडा फेंक के मारे तो जरूर लेकिन सांप को लगा नहीं। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जो सांप का जो जो हिस्सा पूंछी वाला हिस्सा जो पीछे बचल था अंदर घुसने के लिए बाकी था, वो का हुआ, कन्वोल्स इन अनआइडेंटिफाइड हास्ट, एकदम जैसे क्या होता है एकदम आप जग जाते हैं, अरे पर ये का हुआ, उस टाइप से हड़बड़ा के वो अंदर घुसने लगा। अब सांप को पता चल गया कोई हमको, अब सांप कैसे फील करता है, सांप वाइब्रेशंस को फील करता है, सांप ऐसे आपको देख नहीं पाता है, आप खड़े हो जाएगा तो सांप आपको छुएगा भी नहीं, सांप को लगेगा कोई एक स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही आप चलिएगा तो आपके पैरों से जो धरती के में जो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है सांप उसको फील कर लेता है, और जब वो फील कर लेता है तो फिर वो समझ जाता है कि देर इज समवन इन फ्रंट ऑफ मी, एंड देन ही रिएक्ट, ठीक है ऐसे वो काम करता है। ठीक उसी तरह से जब मारा तो सांप को लगा अरे बाप रे बाप हमको कोई कुछ मारने वाला है, तो सुई 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 अंदर घुसने का प्लान करता है वो। रीदर लाइक लाइटनिंग एंड वॉज गॉन इन टू द ब्लैक होल, द अर्थ लिप्ड फीचर्स इन द वॉल फ्रंट एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेड विथ फैसिनेशन, अब क्या बोलता है यहां पर कि सांप जो है जैसे ही अंदर घुसता है उस छेद में, जब फाफर जहां होता है, होता है ना जी जहां बिल रहेगा फाफर रहेगा पट से में घुस जाएगा, जहां पर उस इंटेंस स्टिल नून मतलब अभी भी दोपहरिया होना बाकी है, और वो क्या करता है सांप को बहुत ही एकदम लगाव से, जैसे फैसिनेट करना मतलब क्या था आकर्षित होना, उसको देखते रहता है, कौन कवि किसको सांप को। एंड इमिडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और जैसे ही उसको डंडा फेंक के मारा कवि को महसूस हुआ कि अरे सलाम का कर दिए, पछताया उसको मार के, का है भैया आई थॉट हाउ पाल्ट्री हाउ वोल्गर व्हाट अ मीन एक्ट, कि ये जो हम डंडा फेंक के मारे कितना भद्दा काम किए, कितना नीच वाला काम किए भाई, पाल्ट्री मतलब नीच होता है, वल्गर मने भद्दा होता है, खराब होता है, जिसे बोलते नहीं है कि आप किसी मतलब बड़े शहर में जाइएगा तो लड़की लोग छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, चाहे कोई गंदा काम करता है तो हम लोग बोलते नहीं है कितना वल्गर कपड़ा पहना है या कितना वल्गर कपड़ा पहनी है,
ऐसे हम लोग बोलते हैं या कितना वल्गर बात कर रहा है, कोई गाली गलौज देके बतियाता है तो क्या बोलते हैं, कितना वल्गर बात कर रहा है, तो बहुत गंदा या भद्दा आप बोल सकते हैं यहां पर, कितना हम भद्दा काम किए हैं, क्या डंटा फेंक के हम सांप को मारे हैं। आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड वॉइस ऑफ माई एकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन। अब क्या बोलता है, ये जो काम किए, मतलब ये बहुत ही जो काम था, डिस्पाइज काम था, मतलब बहुत ही घृणा वाला काम था, घटिया काम किए हम उसको मार के। एंड द वॉइस ऑफ माई एकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और जो बोलता है कि जो हम ये काम किए, जो हम उसको मारे, जो हम शिक्षा हम प्राप्त किए थे, ये सब आलतू फालतू वाला सब बेकार हो गया भैया। हम काहे के लिए मारे, जब हम काटबे नहीं किया, वो जाइए रहा था आराम से, तो काहे उसको मारे गए, मैंने बहादुरी दिखा रहे थे, इतना ही बहादुर थे तो सामने जब था तब काहे मारे थे। ले कवि को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम काहे ये वाला काम किए, कवि को पछतावा हो रहा है, खराब लग रहा है उसको। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस एक बहुत बड़ा पक्षी है, समुद्री पक्षी है आपके, इसके बारे में बता देते हैं आपको, इसका जो विंग स्पैन होता है सबसे बड़ा होता है, ये आपका एक जीके है। एल्बाट्रॉस एक ऐसा पक्षी है जिसे अपना पंख फैला देगा तो वो बहुत लंबा उसका पक्षी का पंख होता है, सबसे लंबा होता है इसी का, एल्बाट्रॉस का। सफेद रंग की पक्षी होती है। बोलते हैं एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माय स्नेक। अब ये बोलते हैं कि काश, इच्छा करता है काश वो सांप दोबारा आए। अब सोचिए, इसको पछतावा होता है, जब जा रहा होता है तब भी मार देता है, अब उसको बोलता है काश वो दोबारा मेरे पास आ जाता। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग। वो कैसा कवि को महसूस हो रहा है, अरे वो तो राजा जैसा था भाई। लाइक अ किंग इन एग्जाइल अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड। वो एग्जाइल में है, एग्जाइल मतलब क्या होता है, देश निकाला। एग्जाइल का हिंदी होता है देश निकाला, जैसे किसी को तड़ी पार कर देते हैं ना, बदमाश चोर गुंडा बदमाश को उस तरह, उसको एग्जाइल कर दिया गया, उस जगह से उसको हटा दिया गया है, उसको एग्जाइल कर दिया गया है। कहां वो जाकर रह रहा है, अनक्राउंड मतलब बिना मुकुट के, क्राउंड मतलब होता है मुकुट, मैंने अनक्राउंड बिना मुकुट के उसको अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड मतलब धरती के अंदर छुपा के रख दिया गया है। अगर सामने आ जाए तो अच्छा अच्छा का बुखार छोड़ा दे, लेकिन बेचारा राजा है धरती का, फिर भी वो कहां है, जमीन के अंदर। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। अब वो क्या चाहता है कि दोबारा से उसको क्राउंड मिले, क्राउंड माने मुकुट, है ना। पोयम तो भैया काफी लंबा है लगता है, नहीं अब तनी सुना बचा है, दो तीन लाइन बचा है। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। अब क्या बोलता है, इसलिए इन्होंने अपने अवसर को खो दिया कि उनके घर पर भगवान जैसे अतिथि आए और उनके साथ ही ऐसा व्यवहार किया। कवि को खराब महसूस हो रहा है, ऐसा सोचता है। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपीटेट अ पीटीनेस। अब क्या बोलता है, आई हैव समथिंग टू एक्सपीएट, मतलब बोलता है मुझे अब क्या है, इस बात का पछतावा हो रहा है, रिपेंट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। अ पीटीनेस मतलब बोलता है कि जो हम काम किए, अपने जो तुच्छ घटिया काम किए हैं, इस काम के लिए मुझे अब पछतावा हो रहा है, जो मैंने उस सांप के साथ किया, जो कोबरा के साथ किया। कोबरा को हम लोग क्या बोलते हैं, नाग का हेड, क्योंकि सबसे अधिक जहर उसी में होता है, सबसे अधिक पावरफुल ब्लैक कोबरा हम लोग मानते हैं, ब्लैक मांबा जिसको बोलते हैं हम लोग, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्त इस तरह से हम लोग का कविता जो है, ये वाला जो पोएम है स्नैक, फिनिश होता है। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इट वॉज अ हॉट डे वेन द थर्स्टी स्नैक केम टू ड्रिंक वॉटर। शुरू से हम लोग कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, जो शुरू में हम लोग पढ़े वहां से शुरू कर रहे हैं। इट वॉज अ हॉट डे वेन द थर्स्टी स्नैक केम टू ड्रिंक वॉटर। ये बहुत गर्मी का दिन था जहां पर सांप पानी पीने के लिए आया, ट्रू है। द स्पीकर वॉज इन हैस्ट टू ड्रिंक वाटर, स्पीकर भी हड़बड़ में था पानी पीने के लिए, सही था। द कलर द स्नैक वॉज येलो ब्लैक, सांप का कलर कैसा था, येलो ब्लैक था, सही नहीं है उसका कलर, वो नहीं था। द स्पीकर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ सेकेंड कॉर्नर टू द टर्फ कॉर्नर। ये कवि क्या सोच रहा था कि जहां सांप है उसके हम दूसरे कॉर्नर पर रहें, बिल्कुल सही। वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नैक, स्पीकर मतलब कवि सांप कहां मिला, अपने वाटर टर्फ के पास, ठीक है, नल के नीचे। व्हाई हैड इट कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द टर्फ, टर्फ के पास अपने बिल से कहां आया भाई, पानी पीने के लिए ना, गर्मी बहुत था। व्हाई डिड द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट, स्पीकर क्यों ऐसा निश्चय किया कि हम रुक जाएं, अरे भैया सांप आराम से पानी पी रहा था, वहां जाता कहीं काट उठ ले जाता, उससे बढ़िया भाई दूरे रहो,
उसको पी लेने दो, उसको जाने दो, तब हम वहां से हिलेंगे। अगला सेक्शन का था दोस्त, द स्नैक लुक्ड एट द स्पीकर वेगुली। सांप जो है स्पीकर को बहुत वेगुली देख रहा था, मतलब अनमने ढंग से। हाँ ठीक है चलो, ट्रू है। द डे मेंशन इन द पोएम इज दैट ऑफ जून। जून की बात हुई नहीं, जुलाई की बात हो रही थी दोस्त। देयर वॉज अ सुपरस्टिशियस बिलीफ इन सिसिली टू किल ब्लैक स्नैक। क्या ब्लैक स्नैक को मारना वहां पर जो ऐसा कुछ अंधविश्वास जैसा था? यस था। द स्पीकर वॉज ग्लैड प्लेइंग होस्ट टू अ स्नैक। स्पीकर को लग रहा था कि हम उसका जो होस्टिंग कर रहे हैं, मतलब जब आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप क्या करते हैं, अतिथि का सेवा करते हैं, ठीक है, तो बोला कि हाँ अच्छा है, इसको ट्रू बोला। द स्नैक डिपार्टेड इन द ऑब्लाइज्ड वे। वो ऑब्लाइज्ड वे में वहां से गया, हाँ हमको पीने दिया, हमको अच्छा किया। यस, उसको कोई मारा नहीं था पानी पीते वक्त, आप उसको प्रेम से ना जाने दिए भाई, तो प्रेम से ना गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर है, हाउ डिड द स्नैक ड्रिंक वाटर। सांप कैसे पानी पिया भैया, सांप कैसे पानी पिया, पानी बहुत गर्मी का दिन था, सांप वहां गया अपना मुंडी उठा के जो बूंद बूंद टैप से पानी चू रहा था, अपना मुंह से वो पानी पिया। दिस वॉज द थिंग। वॉट इज द मीनिंग ऑफ सिसिली सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। सिसिलियन जुलाई मतलब बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी थी उस समय में, जुलाई के महीने में, और एटना क्या है, एक ज्वालामुखी है, जैसा आपको बताए थे हम, ज्वालामुखी जब इरप्ट होगा फटेगा तो उससे जो उसका लावा निकलेगा तो धुआं भी निकलेगा इस तरह से। वॉट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट अ स्नैक। सिसिली में क्या मतलब ऐसा लोगों का मान्यता था, बिलीफ था, वो लोग क्या बोलते थे कि जो ब्लैक स्नैक होते हैं वो इनोसेंट होते हैं और जो गोल्ड स्नैक होता है वो बहुत वेनमस होता है, मतलब बहुत ही जहरीला होता है, ये वहाँ का बिलीफ था। व्हाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नैक। स्पीकर जो है सांप को क्यों पसंद कर रहा था, सांप को इसलिए पसंद कर रहा था क्योंकि सांप उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, आया आराम से पिया और जा रहा था। और लेखक सांप को कैसा महसूस करता था, अरे ये तो गॉड है, ये हमारे यहाँ अतिथि जैसा आया है और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, इस तरह से। डू यू थिंक ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड। उसके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब कोई द्वंद्व चल रहा था। चल रहा था भैया, कहने चल रहा था, नहीं चलता तो डंडा का फेंक के मारा। पहले तो उसको अच्छा लगा, जब लास्ट में जान लगा तो डंडा फेंक के मारा, ठीक है, दिमाग में सब चल रहा था उसका, द्वंद्व चल रहा था, ठीक है। अगला जो थर्ड सेक्शन था दोस्त, द स्पीकर हैज अ डिजायर टू टॉक टू द स्नैक। स्पीकर को डिजायर यानी इच्छा थी कि सांप से बातचीत करे, बिल्कुल सही है। द स्पीकर फाउंड द स्लो मूवमेंट ऑफ द स्नैक क्वाइट इंप्रेसिव। स्पीकर को जो सांप का जो धीरे धीरे जाना था उसको अच्छा लग रहा था, यस ट्रू। द स्पीकर डिड नॉट लाइक द स्नैक गोइंग बैक टू द डार्क होल। स्पीकर को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने बिल में चला जाए, ऐसा तो नहीं है, कोई भी चाहेगा ना भैया सांप रहेगा तो जितना जल्दी हो भाग भाई, नहीं तो काट उठ लिया था, इसलिए गलत। ही थ्रू हिज पीच द पीचर एट द स्नेक। वो अपना बर्तन को सांप को फेंक के मारा, नहीं गलत, डंडे को फेंक के मारा था। द लेटर रिग्रेटेड एट द स्नेक। बाद में क्या बोलते हैं, कवि को पछतावा हो रहा था, यस सही है, नहीं पछतावा होता तो क्यों ऐसा बोलता कि जो हम किए गलत किए। ही कंपेयर्स इट टू अ सी बर्ड एल्बाट्रोस। यस क्या बोलते हैं, ही कंपेयर्स इट टू अ सी बर्ड एल्बाट्रोस। वो खुद फिर कंपेयर किया एल्बाट्रोस पक्षी से, यस किया था वो। ही द स्नैक अपीयर्ड लाइक किंग इन एग्जाइल। सांप फिर को ऐसा लगा कि जो दे राजा है वो एग्जाइल में जी रहा है, यस बिल्कुल सही था। व्हाट थिंग अबाउट द स्नैक डिड अपील टू हिम मोस्ट। सांप के बारे में कौन सा चीज था जो कि उसको बहुत अपील कर रहा था, अपीलिंग जैसा कोई चीज नहीं था दोस्त। सांप को देखते ही आप कैसे सांप को देख के अपील करेंगे कि भैया आ जाओ मेरे घर साथ रहो, मेरे बगल में आके बैठो फिर हम काट लो, ऐसा थोड़ी होता है। सांप को देख कोई भी डर जाता है, कोई अपीलिंग बिहेवियर नहीं होता। हाँ दूर से जो चीज देखो अच्छा, हाँ दूर से कितना सुंदर लग रहा है, नजदीक आ जाता भैया सब अच्छा ना खत्म हो जाता है। दूरे से सब ठीक है, नजदीक नजदीक कुछ ठीक नहीं है। जब तक हम सुरक्षित हैं सब ठीक है, जब हम सुरक्षा मेरा खत्म हो रहा तो स्टेक पे है, खतरे में है, कोई चीज अच्छा नहीं होता। तो इस तरह का बात है। व्हाट डिड ही नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल।
मतलब कवि बोलता है कि क्यों उसको अच्छा नहीं था कि जब बील में जा रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक भगवान का दूत है और वो अब जा रहा है, अब भगवान आपके दरवाजे पे आएंगे, अब वो जाएगा तो आपको कभी अच्छा लगेगा, इस टाइप का बात है। वॉट वॉज हिज रिएक्शन आफ्टर हीटिंग द स्नैक, जब वो सांप को डंटा फेंक के मारा तो कैसा लग रहा था उसको, बहुत खराब महसूस हो रहा था, सोच रहा था कि ये जो हम काम किए बहुत नीच वाला काम है, बहुत गंदा काम है, भद्दा काम है, हमको ऐसा नहीं करना चाहता। कोई भगवान आपके दरवाजे पे आए, अतिथि आया, आप उसको मार के भगाए, ये चीज सही नहीं था, जबकि आपको वो नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा था। इस कंडीशन पे नुकसान पहुंचाता तो ठीक था, मारना जरूरी था, जब नुकसान भी नहीं पहुंचाया, काटने का कोशिश भी नहीं किया, उसके बाद वो भाग रहा था, तो इट इज नॉट गुड। Why was the speaker considered it a king in exile? वो क्यों स्पीकर ऐसा सोचता था कि जो कोबरा है वो किंग है और एग्जाइल में है, मतलब देश निकाला हुआ है, दूर किया हुआ है, इसलिए कि उसके पास बहुत शक्ति है, उसके पास जहर है, वो किसी को मार सकता है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो अनक्राउंड होकर धरती के नीचे रह रहा है, जमीन के अंदर, अनक्राउंड मतलब बिना मुकुट के, बिना ताज के। द स्पीकर वॉज फैसिनेटेड बाई द स्नैक। Do you think the time mentioned and the place it belonged to has anything to do with fascination? अब देखिए टाइम क्या था, रात का समय था, कवि जा रहा था पानी पीने के लिए और वहां पर वो देख लिया, ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम था, पूरा कहानी था कवि का, सांप के प्रति दिख रहा था कि आकर्षण है, कोई फैसिनेशन है, लगाव है कि नहीं, शुरू में तो ऐसा था नहीं, लेकिन जब जिसको देखा उतना आराम से, अब उसको जब फील होने लगा कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तब उसको अंत में पछतावा भी होता है कि हम क्यों किए सांप के साथ ऐसा, यही उसका सबसे बड़ा फैसिनेशन था, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन है दोस्त कि व्हाट डज ही मीन बाय द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन। वॉइस ऑफ माय एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जैसा हम लोग अपना कोई चीज सीखते हैं, जानते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तो वो ज्ञान हमारे साथ हमेशा काम करता है और उसी ज्ञान के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, यही चीज पोएट के साथ भी होता है। समटाइम्स इसका यूज हम लोग एक अलग तरह से भी करते हैं, निगेटिव टाइप से भी कर लेते हैं, जादू टोना टाइप का बात भी करते हैं, जादू टोना में भी कुछ सीखता है ना, हो वहाँ से जादू सीख के आया, टोना सीख के आया, जाके कहीं जादू टोना कर रहे हैं, बैठ के भूत झाड़ रहे हैं कहीं पर भी, देखते हैं छड़ी से सब वो लोग मारता है, भूत झाड़ने वाला पकड़ जाइए, मार छड़ी मार छड़ी मार छड़ी, पूरा देह पे साला गर्दा गर्दा मचा देता है, देखे ही होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइस ऑफ एजुकेशन, इस तरह से आप बात कर सकते हैं, सांप काट सकता था, कुछ कर सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ये एजुकेशन उसको क्या सिखा रहा था कि अब है तो उसको मार के मार दीजिए उसको, यही हम लोग को सिखाया गया ना, सांप देखिए तो उसको मार दीजिए, या तो भाग जाइए, सबसे पहला काम क्या होता है, भागिए, नहीं तो मार दीजिए, ऐसा। देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड ऑफ द पोएट, पोएट के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट था, हाउ डिड ही एनालाइज दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इतनी गर्मी का समय था, रात को पोएट गया पानी पीने के लिए और वहां सामने सांप आ गया, अब इसके दिमाग में ये चल रहा था हम सांप को मारें कि नहीं मारें, ये सबसे बड़ा द्वंद था दिमाग में। और उसके बाद बोलता है हमारे घर पे कोई भगवान जैसा कोई अतिथि आया है, अब हमारी हॉस्पिटैलिटी बनती है कि हम उसका अच्छा से सेवा करें, अब उसके बाद तो पानी पी लेता है, अब उसके दिमाग में फिर द्वंद चलता है, अब हमको मार देना चाहिए, अब फिर डंटा फेंक के मारता है, ये कितना बड़ा द्वंद है उसके दिमाग में, ठीक है, डर जाता है वो, इसलिए डंटा लास्ट में चला देता है। In what roles did he find the snake and himself? किस रोल में वो खुद को और सांप को पाता है, वो क्या देखता है, सांप आता है प्रेम से वहां पर बैठता है और पानी पीता है और बूंद बूंद करके पानी पीने के बाद धीरे धीरे सरक सरक के वो जाता है, ये सांप का रोल होता है। और कवि का रोल क्या होता है, कवि वहां बैठ के सारा सिस्टम को देखता है, डरा हुआ भी होता है, सांप वहां होता है तो अपने आप को दूसरे कोने पर भी रखता है और उसके बाद क्या करता है, ये सोचता भी है कि भगवान का रूप है, लेकिन लास्ट में इस तरह के द्वंद में भी वो डंटा चलाता है, ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये कवि का रोल है और वो सांप का रोल था, सांप आया पिया गया शांति से, हाँ कुछ के नुकसान नहीं पहुंचाया, ये भी शांति से देख रहा था, फिर लास्ट में इसको अपने कर्री पे एहसास भी होता है कि नहीं जो हम किए गलत था। द स्नैक सीम लाइक अ किंग इन एग्जाइल, सांप कैसा लग रहा था, एक राजा जो है देश निकाला हुआ है। What were the qualities that make the snake so majestic? सांप majestic क्यों हो जाता है, बहुत उसका इस तरह का सिस्टम क्यों हो जाता है, majestic कोई तब लगता है जब आप राजा जैसा आपके अंदर में चरित्र होता है, मतलब आपके अंदर में एक गर्व होगा, आप उतने पावरफुल होंगे, लोग आपसे डर जाने की जैसे आपकी में काबिलियत होगी,
आपके अंदर में वो क्षमता होगी, आपके अंदर में वो गंभीरता होगी, सिंसियरिटी होगी, पावर होगा, इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटी होगी आप में, आप उतने इंप्रेसिव होंगे तब कोई ऐसा फील करेगा आपके लिए। यही यहां पर बताना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कवि हैं डीएस लॉरेंस साहब, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे पूरे प्रकरण को अपने शब्दों से चित्रित किए हैं। आपको जब कहानी अब कविता सुन रहे होंगे तो आपको एहसास भी हो रहा होगा, अरे यार वहां पर पानी पी रहे होंगे, खड़े होंगे, देखे होंगे, बिल में घुस रहा होगा, आपको इसका पूरा का पिक्चराइज आपके दिमाग में चल रहा होगा। What makes you think that hitting the snack was quite against the sensibility of the speaker? Yes, ये तो बिल्कुल सही बात था। हम तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं, जब सांप को मारे तो उनके लग रहा था, उनके हृदय को लग रहा था कि जो हम कितना नीच वाला काम किया, हमको सब नहीं करना चाहिए था। एक भगवान का रूप जैसा कोई आया और आप उसको डंटा से मार रहे हैं, ये कैसा फीलिंग होगा? कवि को ऐसा लग रहा था, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, उसके सेंसिबिलिटी को खिलाफ था, उसके मन के खिलाफ वो काम किया था। What is the sin committed by the speaker that he wanted to expiate? जो पाप किया उसको पछतावा किया था भैया, यही तो बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ही तरह का बात सब में आ रहा है। सांप आया, पानी पिया और उसको आप मारे, इससे बड़ा पछतावा और क्या हो सकता है? डंडा चला दिया उसके ऊपर, आपको नहीं करना चाहिए था। एक आप उसको राजा भी समझ रहे हैं और राजा को फिर आप डंडा से मार भी रहे हैं, वो हमें पीछे से पीठ पीछे पे, अगर हिम्मत होता सामने मारते तो, हिम्मत तो सामने से था नहीं, हम लोग पीठ पीछे से डंडा चलाए दोस्त। इस तरह से हम लोग क्या कर लें दोस्त, पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए। अब आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे, पहले खुद से लिखेंगे, हम बार बार आपको यह बात बोलते हैं, खुद से लिखिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, आंसर को पीडीएफ से मिलाइएगा और जहां दिक्कत होगा देख लीजिएगा दोस्त। क्या कीजिएगा, कविता को एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका पकड़ कविता पे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पोएम के साथ, बढ़िया से पढ़िए।